आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अयोध्या में मोदी के लिए मांगी गई है दुआ। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र की हुई है शुरुआत। मकर संक्रांति तक 15 ब्राह्मण करेंगे खास जाप। सिद्धपीठ क्षीरेश्वर महादेव पर शुरू हुआ है अनुष्ठान। तो अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त दुआएं मांगी जा रही है। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत आज से हो गई है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति तक 15 ब्राह्मण जाप करने वाले हैं। सिद्धपीठ क्षीरेश्वर महादेव पर यह अनुष्ठान शुरू किया गया है। तो अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुआएं मांगी जा रही है। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र की जो शुरुआत है वो आज से कर दी गई है। मकर संक्रांति तक 15 ब्राह्मण होंगे जो इसका जाप करने वाले हैं। वही अगली खबर बलिया से सामने आ रही है, जहां पर आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। महिला जिला चिकित्सालय में योगी की फोटो दिखाई दी है। महिला सीएमएस के कार्यालय में भी सीएम योगी की तस्वीर लगी दिखाई दी है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी ये तस्वीर वहां से हटाई नहीं गई है। तो बलिया में कहीं ना कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर हुई है, जहां आचार संहिता का उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। महिला जिला चिकित्सालय में योगी सरकार की फोटो दिखाई दी है। वहीं महिला सीएमएस के कार्यालय में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जो है वो लगी हुई है। आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक तस्वीरें वहां से हटाई नहीं गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सीएमएस कार्यालय के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जो है वो लगी हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर जिला चिकित्सालय में भी योगी सरकार के कार्यों का पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है। जो एक तरफ आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है, वहीं अब बलिया में प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। वहीं बलिया संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अखिलेश, बलिया में प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर हुई है, जहां पर आचार संहिता की खुलेआम जो है धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें, जिस तरह की स्मिता सिंह से जब हम लोग बात किए, तो हर जगह जिला महिला चिकित्सालय कभी 3 जगह पोस्टर आचार संहिता के लगा हुआ था, जिसके उनका ऑफिस में भी माननीय योगी जी के पोस्टर लगे हुए थे, जिसको आचार संहिता का उल्लंघन माना जाए। जब स्मिता सिंह से ये बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब ये मेरी मिस्टेक है, मैं समझ नहीं पाई, ऐसे भाषा तो कटाक्ष करते हुए निकल गए। जी, तो अखिलेश, जिस तरह से आपने सीएमएस से वहां पर बात की है, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्षमा भी मांगी है, तो क्या अब वहां से तस्वीरें और जो पोस्टर लगाए गए वो हटा दिए गए हैं? हाँ, जैसे उन्हें जानकारी हुई, वो तुरंत पोस्टर वोस्टर और सारे चीज हटवा दिए हैं। अखिलेश, किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जहां पर एक चिकित्सालय के अंदर पोस्टर लगे दिखाई देते हैं योगी सरकार के, वहीं दूसरी तरफ सीएमएस के कार्यालय के अंदर ही योगी की फोटो लगी दिखाई देना, प्रशासन की लापरवाही दिखाई देती है या नहीं? पूरी तरह से यह प्रशासन की इसमें लापरवाही मानी जा रही है, और कहीं ना कहीं सीएमएस का भी एक अहम रोल होता है, जिससे बार बार ये पूछा गया तो कह रही है कि नहीं, हमारी थोड़ी सी माइनर मिस्टेक, मैं समझ नहीं पाई, इस भाषाओं से वो बात करते हुए निकल गई और तुरंत इस पोस्टर को अपने कर्मचारी बुलाकर उसको हटवा दिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बलिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। और इसी बीच फरुखाबाद से बड़ी खबर, जहां गायों की हुई है मौत। ट्रेन की चपेट में आने से गायों की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल ग्रामीणों ने पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बावजूद पुलिस की लापरवाही इस पूरे मामले पर उजागर हुई है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर पड़े रहे हैं गायों के शव। बावजूद इसके पुलिस पूरे मामले का संज्ञान लेने के बाद भी नहीं पहुंची है। थाना कमालगंज के गुमटी नंबर 138 की ये पूरी घटना हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फरुखाबाद में गायों की मौत की खबर सामने आई है। ट्रेन की चपेट में आने से गायों की मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने पूरे मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी। बावजूद इसके पुलिस पूरे मामले पर लीपापोती करती नजर आ रही है। गायों के शव ट्रैक पर पड़े रहे, बावजूद इसके पुलिस पूरे मामले का संज्ञान नहीं ले रही है। और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर मकर संक्रांति स्नान पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं के स्नान पर अब रोक लगाई गई है।
कोरोना के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत अब जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक लगा दी है। तो एक बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आई, जहां मकर संक्रांति पर होने वाले स्नान को लेकर श्रद्धालुओं के लिए एक ये बुरी खबर भी साबित हो सकती है, जहां पर श्रद्धालुओं के स्नान पर अब रोक लगा दी गई है। लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है, जहां पर अब श्रद्धालुओं के स्नान पर हरिद्वार में रोक लगाई गई है, पूर्णतः रोक लगी है श्रद्धालुओं के स्नान पर। मकर संक्रांति में जो स्नान होना था, अब उस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। कोरोना के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, एक ये बड़ा फैसला जहां पर अब श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक लगाई गई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे हरिद्वार संवाददाता रामपाल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रामपाल सैनी, जिस प्रकार से हरिद्वार में होने वाले मकर संक्रांति के स्नान पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है, क्या कुछ जानकारी है? रामपाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद रामपाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आई है, जहां पर कोरोना की रफ्तार जो बढ़ रही है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन का एक बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी बीच कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर कन्नौज में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, अजगर को देखने के लिए उमड़ी ग्रामीणों की भारी भीड़। इंदरगढ़ पुलिस ने वन विभाग को पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कीरतपुर गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से कन्नौज में अजगर मिला है, जिसके निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इसी पूरे मामले को लेकर इंदरगढ़ पुलिस ने वन विभाग को तत्काल सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू कर लिया है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।